अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, माँ और बहनों, नौजवान साथियों, कौम का दर्द रखने वाले मेरे अजीज दोस्तों, चहशुंबे के दिन होने वाला एहतिजाजी जलसे में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, तिरुमुरुगन गांधी, आयशा रैना, वली रहमानी, अब्दुल रहमान आईपीएस और दीगर मुखर्रिनीन इस एहतिजाजी जलसे में शिरकत फरमा रहे हैं और हमारे असेंबली के एक एमएलए जनाब अब्दुल बासी साहब भी इस जलसे में शिरकत फरमा कर अपनी बात रखेंगे। तो इसी मौके पर आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, इस एहतिजाजी जलसे में आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमाएं और औरतों के लिए यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है और मगरिब के नमाज़ के लिए भी इंतज़ाम किया गया है। आप सब लोगों से दरख्वास्त है, इस एहतिजाजी जलसे में अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ, अपने जमात के ज़िम्मेदारों के साथ, अपने बच्चों के साथ इस एहतिजाजी जलसे में शिरकत फरमाएं और इस एहतिजाजी जलसे को भरपूर कामयाब बनाएं। जब तक हम लोग रोडों पर, गलियों पर नहीं उतरेंगे, हम जीत नहीं सकते। अगर आज नहीं तो कल नहीं, ये ठान लेना है कि हम इस हुकूमत के ख़िलाफ़ और इस काले क़ानून के ख़िलाफ़ ज़ोर शोर से आवाज़ उठानी है और इस क़ानून जब तक वापस नहीं होएगा, हम अपने आवाज़ को बढ़ाते रहना है। तो यही गुजारिश है कि आप लोग इस एहतिजाजी जलसे में बड़े जोश के साथ शिरकत फरमाएं और ये ठान ले के जिस तरह से हिंदुस्तान के वज़ीर आला मोदी ने कहा हम ये इंच भी पीछे हटने वाले नहीं हैं, इसी तरह हम लोग ये ठानना है कि हम भी इस एहतिजाज से एक इंच भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। बस यही बात आप लोगों को सुनाना चाहता था और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ज़ोर के साथ यहाँ पर काम हो रहा है, इस जलसे की तैयारी हो रही है। आप लोग इस जलसे में शिरकत फरमाएं। शुक्रिया। वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बहनों और भाइयों, चांद सितारों जैसे चमकते दमकते जेवरात आपका इंतजार करते हैं एमएस ज्वेलर्स की शोरूम पर। कुवैत, तुर्की, सिंगापुर, कलकत्ता और मुंबई की शानदार डिजाइंस के बेहतरीन जेवरात आपके इंतजार में। हसीनाओं के हुस्न को करे दुबाला, 916 हॉलमार्क ज्वेलरी, एमएस ज्वेलर्स के जेवरात बाजार से कम दाम में। एमएस ज्वेलर्स, अपोजिट अपोलो हॉस्पिटल, हैदरगुड़ा, बशीरबाग।